बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मूली वाला पराठा किस तरह बनाया जाता है, उसको कैसे क्रिस्पी किया जाता है, फिलिंग में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं और उनके पराठे में एक करारापन नहीं आता, एक क्रंच नहीं आता, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता हो तो सुभान अल्लाह शानदार पराठे बनेंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मेरे पास गंदम का आटा है जिससे हम रोज़ घरों में रोटियाँ बनाते हैं। तो आटे को जब भी यूज़ करें पहले अच्छे से छान लिया करें। तो यहाँ पे मैं 3 कप आटे के ले रहा हूँ और आटे को गूंदना थोड़ा सा आसान होता है मैदे की निस्बत। चलें जी, 3 कप हो गए। अब इसकी डो में जो अहम चीज़ें जाएंगी वो सिर्फ 2 हैं, लेकिन उन दोनों की मतलब आप उनको स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, नमक 1/2 टीस्पून काफ़ी है। और दूसरी चीज़ है घी, घी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। इससे जो है पराठा बहुत क्रिस्पी हो जाता है। अब इन सब चीज़ों को हाथों से कर लेते हैं मिक्स और इस आटे को गूंद लेते हैं। अच्छा, फिलिंग से रिलेटेड जो मैंने आपको बातें बतानी थी वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही मिस्टेक करते हैं। तो नॉर्मल पानी से हम इस डो को गूंद लेंगे और पहले हम इसकी कर देंगे मिक्सिंग अच्छे से। ये देखें, जो घी है उसको पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। चलें जी, अब पानी जो है आपने एकदम से ऐड नहीं करना, पानी कम या ज़्यादा हो जाता है तो हर अपनी वीडियो में मैं आपको यही समझाता हूँ। हल्का हल्का पानी ऐड करें और जो नीचे खुश्का रह गया है उसको भी कंप्लीट आप डो बना लें, ठीक है, इस तरह से। अब आप ऐसे जैसे मुखियाँ बना के हम आटा गूंदते हैं अपने रवायती अंदाज में, उसी तरह से हम आटा गूंद लेंगे। तकरीबन 3 मिनट काफ़ी होंगे। तो इसको अच्छे से गूंद लेने के बाद इसके ऊपर आपने हल्का सा पानी लगा देना है और फिर इसको ढांप के हम रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, स्टे दे देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, अब ये है हमारे पास मूलियाँ और मैं यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम मूलियाँ ले रहा हूँ, 2 से 3 अदद। अच्छे से पहले आपने मूलियों को धो लेना है और फिर आपने इसको छील लेना है। ये लें जी, अब आपने इनको ग्रेट कर लेना है, मतलब कि कद्दूकश, और इनके अंदर बहुत सारा होता है पानी, ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक है कि इसके पानी को निकाल लेना है और मतलब इसको ड्राई कर लेना है, लेकिन गलती लोग कहाँ पे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई में जस्ट 1 टेबलस्पून हम लेंगे कुकिंग ऑयल का या घी का और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक। ये है कुटा हुआ, ठीक हो गया, पेस्ट नहीं आपने लेना। चलें जी, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हम इसको हल्का सा करेंगे सौते। ये है हमारे पास ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पराठों के अंदर। सादा आप प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन प्याज होता है ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब यहाँ पे एक बात जहन में आपने रखनी कि हम सालन ही बना रहे, तो इनको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं, कलर नहीं आने देना आपने इनके ऊपर, ठीक हो गया। अब ये मूलियाँ जिनका हमने पानी निकाल लिया था इनको ऐड करेंगे। अब नॉर्मली यहाँ पे गलती ये होती है कि फिलिंग बनाने के दौरान लोग इसको ओवर कुक कर लेते हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं, एक पेस्ट सा बन जाता है, जिस वजह से हमारे जो पराठे हैं वो क्रिस्पी नहीं हो पाते, उनके अंदर क्रंच नहीं रहता। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक, और लाल मिर्च का पाउडर भी जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है, दोनों मिर्चें ऐड होंगी इसमें। तो ये है हमारे पास ज़ीरा, ये कुटा हुआ ज़ीरा है, ये ज़ीरा पाउडर नहीं है, 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, ठीक है, ये कुटा हुआ है दरदरा, आपने ऐसा ही यूज़ करना है। हल्दी 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को आपने करना है मिक्स और जस्ट 2 मिनट जस्ट इसको आपने पकाना है, ठीक है। ओवर कुकिंग आपने हरगिज़ नहीं करनी, अगर यहाँ पे ज़्यादा पका लिया तो पराठों का जो एक फ्लेवर एक टेस्ट होता है वो नहीं रहेगा, ठीक है, दानेदार इसको आपने रहने देना। चलें जी, एक ड्राई ड्राई सा, अब हम इसको अपनी प्यारी सी प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं ऐड की, धनिया नहीं ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, क्यों मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, जब ये हो जाए ठंडे, फिलिंग ठंडी होगी, इसको अपने खूबसूरत से बॉल में ऐड करते हैं। अब देखिएगा, अब मैं इसमें ऐड करूंगा वो मसाले जो पकने के बाद अपनी खुशबू छोड़ देते हैं या जिनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया था। यहाँ पे हरी मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टेबलस्पून और इस हरी मिर्च को आपने बारीक काटना है। अगर ये मोटी हुई तो हमारा जो पराठा है वो टूट सकता है, उसमें पंचर हो सकता है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ धनिया, धनिया भी जो है ये आप
फिलिंग ठंडी होने के बाद ऐड करेंगे। पहले ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ सकता है या इसकी जो असल खुशबू महक है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, दिखने में इतनी शायद अहम ना लगें लेकिन ये ओवरऑल रेसिपी पे बहुत असरअंदाज होती हैं। ठीक हो गया, इनको मिक्स कर लेते हैं, चलें अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी जो डो है इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे, बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे, छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, तो ये लीजिए इसका बना लेंगे पेड़ा। और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि फिलिंग आप किस तरह से ऐड करेंगे। काफ़ी तरीके हैं लेकिन हम सबसे आसान वाले को फॉलो करेंगे। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे खुशका लगा के इसके ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा थपथपा लेते हैं इसको ताकि इसके अंदर हम फिलिंग ऐड कर सकें। अब फिलिंग को आपने इसके सेंटर में बिल्कुल कहीं से कोनों से ये मतलब कोई हरा पत्ता ना लग जाए, वरना वो जो बाहर निकल आता है ना डिज़ाइन ऊपर लग जाता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल साफ़ हाथों से आपने इसको कवर कर लेना, ये नहीं कि आपके हाथों से हाथों को मिर्चें वगैरह लगी हो तो वो बाहर से पराठे का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कवर कर लें इस तरह से, बहुत आसान है, घुमा लें, उसके बाद इसको साइड पर कर लें। ठीक है, अब इसको प्लेन कर दें, नो मैटर। अब नीचे खुशका लगा दें और इसको आप बेल लें। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे अम्मी होती मेरी तो वो बेलने का कम ही यूज़ करती हैं, वो हाथों से माशाल्लाह से बना लेती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान तरीका बताऊँ। चलें जी, बहुत परफेक्ट हो गया। अब बहुत अहम बात शुरू होने वाली है, पराठा पकाना किस तरह से है। ठीक है, इसको आप उठाएं बड़ी मोहब्बत के साथ, हाथों पर इस तरह रखें और फ्लेम फुल के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवे के ऊपर जब आपने इस पराठे को डालना है तो आप इसकी जो गोलाई है उसको ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सभी बातें मानेगा। तो इसको फिर आपने पलट लेना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद फ्लेम हाई होना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड को हम थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद ये देखिए पोने से ना इस तरह से दबा दबा के पराठे को पकाते हैं ताकि वो कच्चा ना रह जाए। चलें जी, अब ये मेरे पास देसी घी है जिसकी रेसिपी मैंने कल परसों दी थी, आप चैनल पे देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। देसी घी लोगों का जल जाता है, बदबू आती है, कौन सी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं इससे रिलेटेड, बहुत शानदार रेसिपी है। चलें जी, पराठे को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको प्लेट में निकालते हैं और खोल के अंदर से देखते हैं ये कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये लें जी, ये आपका मूली का पराठा तैयार है। ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, टिफ़िन बॉक्स में भेजें, बच्चों के लिए बनाएं, इसको डिनर में यूज़ करें, जैसे मर्जी करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अगर आपको ये खूबसूरत लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा। आप दीजिए इजाज़त, सारी को इजाज़त। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।